हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आज आ गई हूँ अपने साथ मेरे 6 डेज ऑफ टॉप 6 के फर्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको नहीं पता तो मैं फटाफट से बता देती हूँ, दिस इज माय यू नो बर्थडे वीक एंड इन दिस वीक एवरी डे आई एम गोइंग टू पोस्ट वन वीडियो विच हैज टॉप 6 थिंग्स दैट यू मस्ट हैव। कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिकली लड़कियों से रिलेटेड है, सम थिंग्स आर जस्ट यूनिसेक्स। तो डेफिनेटली चेकआउट करो सारे वीडियोज इफ यू वॉन्ट टू नो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। एंड आई हैव डिवाइडेड द कैटेगरीज ऑल्सो, एवरी वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाया है। सो आई थिंक आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड यार नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस को आप मिस ना करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो माय टुडेज वीडियो टॉपिक इज टॉप 6 ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स दैट कैन सेव अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर वार्डरोब। और अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको स्पेस का क्रंच बहुत ज्यादा है, या फिर अगर आप उनको बॉक्सेस में रख देते हो तो यार उनको जब टाइम होता है ना उन ज्वेलरीज को यूज करने का तब आपको वो मिलती ही नहीं है। तो अगर आप इन सारी चीजों से परेशान हो तो आज के जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स है ना वो अगर आपने ले लिए तो आपकी ये वाली सारी प्रॉब्लम्स ना एकदम मस्त से सॉल्व होने वाली है। तो चलो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज इयरिंग ऑर्गेनाइजर। सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट, मैंने दो अलग अलग प्रोडक्ट्स परचेज किए थे अलग अलग ब्रांड्स के, तो जो सबसे अच्छा वाला है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी ताकि आप वही वाला परचेज कर सकते हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीस काइंड ऑफ यू नो इयरिंग ऑर्गेनाइजर्स। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, आई थिंक आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। यार ये ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, सीरियसली बहुत हेल्पफुल होते हैं, और इसकी क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से दे दूंगी। बट इसमें ना आपके एक तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सारी इयररिंग्स आपको प्रॉपरली दिख रहे होते हैं, तो आपको कभी भी लगता है कि यार कौन सा यूज करना है दैट यू कैन यूज। और उसके अलावा ये होता है कि इसको ना आप कहीं भी हैंग कर सकते हो, तो आपको स्पेसिफिक स्पेस नहीं चाहिए होता है आपके वार्डरोब में कि यार ऐसे ऐसे करके अरेंज करके रखना है। तो दैट इज अ गुड थिंग, आप अपने वार्डरोब के डोर पे इनको टांग दो और देन यू कैन डेफिनेटली सी कि यार मुझे आज ये वाला इयररिंग्स पहनना है तो आई कैन यूज दिस। सो दिस इज वर्थ ऑफ मनी। 27 इयररिंग्स एक बार में आप अरेंज करके रख सकते हो, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने ऐसे दो परचेज करके रखे हुए, मैंने दोनों अपने वार्डरोब के ड्रॉअर में टांगे हुए हैं। सो द सेकंड ऑर्गेनाइजर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अगेन अ इयररिंग ऑर्गेनाइजर, बट ये वो छोटी वाली जो यू नो इयररिंग्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजर। आप देखो इसका लुक कितना स्लीक एंड कितना मस्त है, और ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। और जब मैं आपको उसको खोल के दिखाने वाली हूँ ना, आप शॉक हो जाओगे कि इसके अंदर कितने सारे इयररिंग्स हैं। तो इसे मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। सो सी, सो दिस मच ऑफ इयररिंग्स इट कैन होल्ड, और इसमें इस साइज से लेके इस साइज के इयररिंग्स आप आराम से होल्ड कर सकते हो। बहुत स्टर्डी है, बहुत अच्छा है ऐसा, मतलब इसका लुक इतना पसंद है मुझे और इतना अच्छे से रखता है। मतलब अगर मैं चाहूँ ना मैं ट्रेवल में भी इसको आराम से कैरी कर सकती हूँ, अपने छोटे छोटे मतलब इयररिंग्स इसमें रख के। ये बहुत मतलब मुझे ये पैसा वसूल चीज लगी, और इसका प्राइस सिर्फ 2 या 250 है, मतलब कुछ 200 था, 50 रुपीज इसकी शिपिंग लगती है। और आप चाहे कोई भी ब्रांड का इसको खरीदो फ्रॉम फ्लिपकार्ट, आपको शिपिंग देना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम शिपिंग यार कोई बात नहीं, 250 रुपए में आपको इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर मिल रहा है, एंड आई रियली रियली लव इट। मेरे पास तो इसके 3 पेयर्स हैं, तो मैंने तो खरीद के रखा बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ इयररिंग्स। सो मैं ऐसे इसको खरीद के रखती हूँ। मैं आपको फटाफट से ये वाला भी दिखाती हूँ, उसमें मैंने कौन सी इयररिंग्स रख रखे हैं। सी, इसमें मैंने थोड़े बड़े वाले इयररिंग्स रख रखे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको देखती हूँ यार कितने अच्छे से मेरे इयररिंग्स ऑर्गेनाइज रखे हुए हैं। तो दैट इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स आई हैव फ्रॉम सीरियसली फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो दैट इज वेरी नाइस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड वन। दिस इज आई हैव परचेज फ्रॉम मिनिसो।
ये मिनिसो में मिलता है बहुत आराम से। इसके अलावा मैं अमेजोन पे भी चेक कर लूंगी, अगर ये मिल रहा होगा तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द लिंक। बट दिस इज वेरी क्यूट, वेरी स्मॉल, ट्रेवल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर। एक्चुअली ये मैं स्पेसिफिकली ऐसे राउंड होके अलग अलग उसमें हो जाता है, यू नो, छोटे छोटे बॉक्सेस में। ये होता तो स्पेसिफिकली जब मैंने परचेज किया था तो मैंने क्रीम एंड मेरे जो बाकी सीरम का नॉल था, मैं सारे अगर पैकेट नहीं ले जा, सारे बॉटल्स नहीं ले जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें मैंने सोचा था कि मैं इसमें रख के ले जाऊंगी। बट उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि ये ना, मतलब जैसे मेरी रिंग्स हैं, वो सारी वो स्मॉल वाली रिंग्स हैं, वो मैं इसमें रख देती हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, सिंस मेरे पास नोज पियर्सिंग नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे मैं फेक नोज पिंस एंड ऑल ये सब लेके रखती हूँ, तो मैं वो इसमें रख लेती हूँ, ताकि यार ये छोटी चीजें होती है ना, वो बहुत जल्दी खो जाती हैं। बड़ी चीजें तो आप फिर भी संभाल के रख सकते हो, बट ये कहाँ गायब हो जाती है पता भी नहीं लगता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइज योर नोज पिन, नोज रिंग्स एंड छोटे छोटे जो यहाँ पे हम कान में पहनते हैं, वो सारे यू नो आप इसमें रख सकते हो, एंड दैट इज वेरी नाइस। सो मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ ऑर्गेनाइजर, द फोर्थ ऑर्गेनाइजर इज अ रिंग ऑर्गेनाइजर, एंड दैट आई ऑल्सो हैव परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी नाइस फाइंडिंग्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो इट इज लाइक दिस, सॉरी वो गिर गया, इट्स लाइक दिस, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। एक्चुअली मैंने इसमें गोल्ड का रखा हुआ है सारा सामान, बिकॉज क्या है, मेरे पास गोल्ड की कुछ रिंग्स थी, तो आई थॉट कि उनको अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके मुझे रखना चाहिए, एंड वो छोटे वाले इयर रिंग्स, तो मैंने इसको ऐसे प्रॉपरली, आई विल शो यू, मैंने इसको ऐसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। दिस इज वेरी नाइस ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे मैंने सारी रिंग्स को रखा हुआ है, देन नीचे वो छोटे छोटे वाले इयर रिंग्स जो गोल्ड के होते हैं वो रख रखा है, और काफी विजिबल भी होता है आपको सब कुछ, तो आपको कुछ भी पिक करना है तो आप वो ले सकते हो। दिस इज अ वेरी नाइस क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी, इट्स फुल वेलवेट, और इसका प्राइस है कुछ अराउंड 400 रुपीज, बट इट इज वर्थ द प्राइस, सो दैट्स वेरी नाइस। टूवर्ड्स अनदर ऑर्गेनाइजर, दिस ऑर्गेनाइजर स्पेसिफिकली फॉर, आप मतलब कुछ भी रख सकते हो उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं इसमें जो रखती हूँ आई विल शो यू। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजर, इट हैज मल्टीपल स्मॉल स्मॉल स्पेस इन साइड द बॉक्स, आई विल शो यू, इट्स लाइक दिस। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इसमें आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो, तो अगर आपको किसी भी बॉक्स का साइज बढ़ाना है तो आप ये रिमूव कर दो, दीज आर डिटैचेबल, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको हमेशा ऐसे, मैंने अपने हिसाब से बांट के रखा हुआ है, मुझे जो भी साइज चाहिए, जैसे मुझे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे, सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे क्लिप्स रखनी थी अपनी ये वाली, सो मैंने इसका पूरा लॉन्ग लेंथ लिया हुआ है, बाकी सब मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, अगर आपको अपनी क्लिप्स एंड ऑल रखना हो, या आपको कुछ ऐसा सामान है जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये वाली टाइप की क्लिप्स होती है ना, आप इनको कहाँ पे ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर रख सकते हो, तो बहुत अच्छा है उसके लिए। इसका प्राइस अराउंड 200 to 250 है, मैं मेंशन कर दूंगी लिंक ऑल्सो, बट यार दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस ऑर्गेनाइजर आई हैव। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मैं मतलब बता दूं, जैसे ये है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है इसको, ऐसे अगर यहाँ पे दिख पा रहा होगा, यहाँ मेरी अलग अलग साइजेस की लैशेज हैं, तो मैंने ना इसमें अलग अलग उसमें लैश रख रखी है, ताकि वो, क्योंकि लैशेज को संभाल के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या होता है मिक्स हो जाती है तो समझ में नहीं आ पाता, कई बार टू लैशेज आर वेरी सिमिलर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें बहुत आसान है यार कि लैश यहाँ से निकल के यहाँ रख दो, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, और मतलब इसमें से ऐसे आप हैंग भी कर सकते हो उसको प्रॉपरली, तो क्वालिटी इज वेरी नाइस, और वो जो मैं डिटैचेबल बोल रही थी ना, वो ऐसे टाइप के होते हैं, तो इट्स वेरी नाइस, सीरियसली वेरी नाइस। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ द डे, एंड दिस इज वन ऑफ माई वेरी 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 फेवरेट ऑर्गेनाइजर, एंड इसने मेरी लाइफ बहुत बहुत ईजी बना दी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजर, दिस इज ऑल्सो अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर स्पेसिफिकली फॉर योर यू नो नेकलेस एंड नेक पीसेस। तो मैं बताती हूँ, इसका ऐसा पैकेजिंग है, और इसके अंदर वी हैव दीज स्मॉल स्मॉल पैकेजेस, ओके, लाइक दिस। तो आप क्या कर सकते हो ना, कि अपनी ज्वेलरी को अलग अलग
ऐसे स्टोर करके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कहीं ट्रेवल करना है, आपको बस ये पीस चाहिए तो आपको अलग से निकाल के रखना नहीं, फटाफट से ये उठाओ अपने बैग में डालो और खत्म करो। तो ये बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। इसका प्राइस इज समवॉट अराउंड लाइक 4-5 रियली एट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट, बट ठीक है मैं प्रॉपरली मेंशन करूंगी, इसकी लिंक भी दूंगी। ये यार बहुत अच्छी चीज है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मतलब आपकी लाइफ सेविंग हैक्स बता रही हूँ आपको। थैंक यू, मुझे पक्के से कमेंट में बोलना अगर आपको ये सही में अच्छा लगा हो तो, क्योंकि यार मेरी तो लाइफ बहुत आसान कर दी। एंड इफ यू आर अ गर्ल हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, आपको पता है कि आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ही रख सकते हो, आप चाहो तो अपनी गोल्ड ज्वेलरीज लाइक कान के और बाजू बंद और गले के ये सब रख सकते हो। इनकी क्वालिटी बहुत सुपर है यार, बहुत सुपर क्वालिटी। वी हैव 10 पाउचेस, सो सोचो आप एक में अगर दो भी रखते हो तो 20 नेक पीसेस और अदर ज्वेलरी आप रख सकते हो, तो कितनी बड़ी बात है, इट्स वेरी नाइस। क्योंकि देखो इस टाइप का बहुत छोटा सा है तो इसके इसमें तो एक और भी साथ में रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ मेरे ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स खत्म होते हैं। एंड यार सीरियसली बता रही हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इनको पिक किया है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्लस इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैंने सारी चीजों का ध्यान रखा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना, एंड इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दो। कमेंट में बताओ कि किस तरीके से कौन से ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर ने आपकी हेल्प की, डू कमेंट। एंड क्या एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू टुमारो।